अरविंद केजरीवाल एक बड़े भ्रष्टाचारी हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि बेल देने से भी इनकार कर दिया। उनको इंटरिम बेल यानी एक पेरोल की तरह उनको जनता के बीच जाने का मौका दिया है, लेकिन अब दिल्ली की जनता ये भी जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल के रहते महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। पीछे भी बहुत सारी केस है, इन्हीं के पार्टी के लोगों ने सोनी मिश्रा की हत्या की, और सोनी मिश्रा के साथ पहले उसके साथ उसका शोषण हुआ, उसके बाद बहुत सारे केसेज आए हैं जहां इन लोगों ने महिलाओं को थप्पड़ मारे, संजय सिंह पे बहुत सारे केस हैं। अब सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के द्वारा उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद को पीटने की बात एफआईआर में आ गई, क्योंकि 100 नंबर का कॉल हुआ। अब इसके बाद तो दिल्ली सन्न है कि इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा दिखता है ना भोला भाला, उसके पीछे एक बहुत ही आपराधिक चेहरा है, भ्रष्टाचारी के साथ साथ बहुत ही साजिश करने वाला चेहरा है, क्योंकि आतंकवादियों से चंदे लेकर के देश को तोड़ने में, देश में नए देश बनाने की कोशिश में भी उनके ऊपर एनआईए जांच चल रही है। और ऐसे में स्वाति मालीवाल को, भले उनकी पार्टी की है, लेकिन उनको पीटना और पीटने के बाद फिर झूठ बोलना कि हम पीए को सजा देंगे, और उसके बाद पीए को साथ लेकर घूमना, यह स्पष्ट करता है कि शायद विभव नाम के जो पीए हैं उनके साथ साथ मारा उन्होंने होगा, लेकिन मरवाने का जो इशारा है वो अरविंद केजरीवाल का ही हो सकता है।